अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, मैं आज आप लोगों को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ जिसके थ्रू आपके मार्क्स कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाएंगे और आप लोगों को एक वे मिल जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी स्मार्ट स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें, मेरे नोट्स ले लें, मेरी बुक ले लें और ये इससे काम हो जाएगा, ये एंड सो ऑन। पर एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे किया जाता है, मैथ्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये ट्रेडिशन में ही अल्लाह ताला के करम से लेके आया हूँ सिंध के अंदर बड़ा एक ज़बरदस्त तरीके से। और आजकल ज़्यादातर टीचर्स सब मैथ्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है उनको देख के कि जी कुछ ना कुछ अच्छा और क्रिएटिव तरीके से पढ़ाने लग गए। मुझे देख के या किसी और को देख के अल्लाह ताला बेहतर जानता है, पर जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो मुझसे ही इंस्पायर हुए, मुझे कुछ मैसेजेस भी आए। तो अब देखें, मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बता रहा हूँ जिसके थ्रू जिस तरीके से मैं पढ़ता था, मैं आप लोगों को अब वो तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से मेरी जीके इम्प्रूव हुई। ठीक है, मेहनत मजदूर भी करता है और एक प्रोफेसर भी करता है, फ़र्क है दोनों की मेहनत में। तो अब मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इन वेबसाइट्स के थ्रू आप काम करेंगे तो आपका काम जल्दी और इफेक्टिव हो जाएगा। देखिए, जो STS 5-15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें बड़ी अच्छे से आएंगी। पहले के जियोग्राफी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, करेंसीज और कैपिटल्स, तो ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जीके कैसे इंप्रूव होगी। ये एक वेबसाइट है जो कि मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। मैं आप लोगों को पहले इसका इंटरफेस दिखाऊँ कि किस तरीके से काम कर रही होती है। अगर आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ ऐसा नज़र आए। ठीक है, अब इस इंटरफेस को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वर्ल्ड गेम्स, अफ्रीकन गेम्स, अमेरिकन गेम्स एंड सो ऑन। तो आप आ जाए वर्ल्ड गेम्स के ऊपर। ठीक है, गेम्स के थ्रू आप लोगों को चीज़ें सिखाएगा ये। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कैपिटल्स लिखा हुआ है, तो आपने अभी टाइम कम है तो आप सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स के कैपिटल याद कर लें, कौन कौन से, एशिया और यूरोप, 2 काफ़ी हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए। तो आप ऑप्शंस में जाएंगे, बाकी सबको आप ऑफ कर देंगे, यूरोप को भी पहले एशिया का करें सॉल्व, फिर दूसरी कंट्रीज के ऊपर दें, ठीक है, प्ले करें। फिर ये आपसे एशियन कंट्रीज के बारे में ही पूछेगा कि कौन सी कहाँ पर है, तो सिंगापुर का कैपिटल कौन सा है, सिंगापुर ही है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे ऐसे, लियोस का क्या है। तो आप देखें यहाँ पर एक क्या सीन है कि आपने, अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल नहीं पता था कि इसका वियतनाम है, मुझे हमेशा प्रोनाउंसिएशन मुश्किल होती है इसकी करना, तो आप क्या करेंगे, जैसे चाइना है तो इसका देखें कि चारों ऑप्शंस में से गलत कौन सा है। सबसे पहले देखें, सेंटियागो तो नहीं है, 100% नहीं है, किसी और कंट्री का है। ढाका जो है वो बांग्लादेश का है, मॉस्को जो है वो रशिया का है, तो क्या बच गया, बीजिंग हो गया। ऐसे आप क्रॉस करें गलत आंसर को सही आंसर पिक करने में। देखें, जब आप MCU दे रहे होते हैं ना तो 25% चांस होते हैं कि आपका आंसर सही होगा, चाहे आपको कुछ आता है या नहीं आता। ठीक है, 25 25 25 25 100% होता है हर पेपर का। अगर आपने एक ऑप्शन गलत निकाल दिया तो व्हाट इट मींस कि 75% आपका तकरीबन 33% चांस बन जाते हैं किसी एक MCU सही करने में। अगर आपने 2 गलत निकाल दिए तो 50-50 चांसेस होंगे कि आपका चांस लग जाएगा दुक्का सही होगा। तो कोशिश क्या करें कि गलत ऑप्शन आप वहां से निकाल दें। ऐसे ही अगर इस एप्लीकेशन की दूसरी हम जगह पे जाते हैं तो यहाँ पर देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इससे बात करूँ कि जी मुझे ये बताओ कि जी माउंटेन्स या डेजर्ट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, कौन से हैं, तो ये क्या करेगा, मुझे एक वर्ल्ड मैप दे देगा। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप देगा मुझे, बड़ी खूबसूरत सी इसने वेबसाइट डिज़ाइन की अंग्रेज ने, सल्यूट है इस बंदे को। ये वर्ल्ड मैप देगा और ऊपर मैं प्ले करता हूँ, ऊपर ये पूछेगा मुझसे कि जी ये कलाहारी डेजर्ट कहाँ पर है। ठीक है, अब मुझे अगर नहीं पता तो मैं दुक्के मारूंगा और दुक्के मारते ही मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन सी जगह है। आई होप मेरी बात समझ में, ये तो सहारा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, इनकरेक्ट आ गया। ऐसे ही आप एक एक करके चेक करेंगे तो पेपर्स के अंदर ज्यादातर यही आते हैं। फिर इसके अंदर देखें, हर एक चीज दी हुई, जो मैंने अपनी बुक लिखी है उसके अंदर भी मैंने यही टेक्निक्स इस्तेमाल किए हैं, सेकेंड एडिशन भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। तो वॉल्केनोज, स्ट्रेट्स के बारे में पूछेगा, माउंटेन्स के बारे में, आइसलैंड के बारे में, लेक्स के बारे में, ये आपकी जो आती हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर उसके बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, हर एक चीज़ है इस वेबसाइट के अंदर। और इस वेबसाइट का नाम है, बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुकें, जैसे अब ये ओशियंस के बारे में, ये कौन सा ओशियन है, ओशियन कौन सा है भाई। ठीक है, तो अब आप अगर इस वेबसाइट का नाम पूछेंगे मुझसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी गेम्स इस वेबसाइट का नाम है, वर्ल्ड ज्योग्राफी गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है किसी भी पेपर के लिए। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैं पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूं और हम लोगों की हौसला अफजाई हो। अगर आपने बुक खरीदनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कोर्स अगर मेरे साथ पढ़ना हो इसी तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं दुआ करूँगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।